ग्रहण, इसको लेके आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होगी। देर आर लॉट ऑफ कल्चर्स, लॉट ऑफ बिलीव्स। ऑलमोस्ट हर कल्चर में माना जाता है कि जब भी ग्रहण है तभी आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे आपको कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको एक जगह पर बैठे रहना है, आपको सोना नहीं है, आपको मूव अराउंड नहीं करना है। जैसे आपको कोई शार्प चीज़ हाथ में नहीं पकड़नी है, कटिंग नहीं करना है, चॉपिंग नहीं करना है, सिलाई काम नहीं करना है। जैसे तीसरा एक चीज़ बहुत बार बोला जाता है, आपने कुछ खाना पीना नहीं है उस ड्यूरेशन में। देन नेक्स्ट थिंग दैट इज सेट कि आपको तभी धार्मिक चीज़ें पढ़नी है या स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़नी है, पोथी, पुराण, मैथोलॉजिकल स्टोरीज, आपको ये चीज़ों में खुद को इंडल्ज करना है। तो एक्चुअली लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग एक्लिप्स या ग्रहण के वक्त बताई हुई बातें प्रेगनेंसी में फॉलो करनी है या फॉलो नहीं करनी है। नाउ वी गोइंग टू अंडरस्टैंड साइंस बिहाइंड द होल थिंग। कुछ बहुत बेसिक चीज़ें समझ लो। पिछले कई सालों से हम लोग एक्लिप्स और प्रेगनेंसी के कनेक्शन के बारे में सुनते आ रहे हैं। आपको भी जो लोग बता रहे हैं वो लोग आपके दादी, आपके मम्मी, एग्जैक्टली साइंस पूछो तो लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग कई सालों से ऐसे ही फॉलो करते आ रहे हैं एंड दैट्स हाउ इट हैज़ बीन। लेट्स अंडरस्टैंड ये आया कहाँ से। बहुत सालों पहले देर वॉज नो लाइट एट सच, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो लाइट, नो सेफ्टी मेजर्स इन साइड द हाउस। ढक्कन, रेफ्रिजरेटर, इतना सेफली अनाज को क्लोज करके रखना, दिस थिंग्स वर नॉट देयर। दिस इज द ट्रूथ, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि ग्रहण जब भी होता है या एक्लिप्स जब भी होता है, देर आर लोड्स एंड लोड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और वेरी माइक्रो एंड द लिटिल थिंग्स दैट गेट्स डैमेज। सो इफ इट्स अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट गेट्स डैमेज बिकॉज ऑफ द रेज, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, there are a lot of micro animals that might die, they might be there roaming around in the environment. So it's been believed that because kai saalon pehle itna majors nahi the and there is a possibility ki ye jo mare hue micro organisms hai ya micro animals hai wo aapke khane peene ki cheezon mein ja sakte hai, isiliye aapko us time pe kuch khana peena nahi hai। ट्रेडिशनली स्ट्रीट लाइट्स या रोड लाइट्स, इवन हेड लाइट्स, इतना इलेक्ट्रिसिटी घर में विच वॉज नॉट देयर। तो अगर आप कोई भी शार्प चीज़ लेके ऑपरेट करते हो तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू इंजूरिंग योर सेल्फ, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू हार्मिंग वॉट एवर एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग। सो बेसिकली ऐसे कर दिया था कि आप ग्रहण के दौरान यू बी स्टडी, यू बी स्टैटिक, सो दैट एज अ प्रेगनेंट गर्ल यू वोंट हार्म योर सेल्फ एंड इनडायरेक्टली नॉर हार्म योर चाइल्ड। कुछ चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी कि आप ग्रहण के वक्त काम करोगे तो बच्चे के होंठ फट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगेन साइंस डजंट से और साइंस डजंट हैव अ प्रूवन फैक्ट अबाउट इट, बट कल्चरली दे हैव बीन बिलीविंग आप अगर लोग अगर कुछ करते हो या ग्रहण के दौरान जो खाना खाते हो, बिकॉज देयर माइट बी सम डैमेज दैट वुड हैव अकर्ड टू द फूड, इट माइट रीच टू योर चाइल्ड एंड इट माइट हार्म। Does science say about it? No. There is no as such a research about it. But 100% at the time of a grahan, there is a lot of micro changes happening in your surrounding. So better take care of. We won't suggest that grahan mein aapko pura bhuka rehna hai. 8 ghanta, 10 ghanta, 15 ghanta. But if grahan is going to be there for 2 hours, 3 hours, 4 hours, and your family is peaceful because you are following for those 4 hours, and you're not eating anything, that's wonderful. Don't eat. Even if you have lot of safety measures, like हम लोग फ्रिज में खाना रखते हैं, हम लोग ढक के रखते हैं, we have got sealed airtight container in which food is staying, but preferably don't eat. Now we have understood the science behind the whole thing, the culture behind the whole thing and why it has been coming up. Now let's understand in today's culture which are the things that ideally we should be following. First thing, going out. Preferably avoid. See, if you are a pregnant girl, because the way I said, there are a lot of micro changes happening in the environment, keep yourself away from this. It's wonderful to be inside the house and then going ahead with the whole thing inside your house itself. About cutting, chopping, as such, no harm if it's done in the proper light with proper safety. But again, for the peace of your family, if you don't cut or chop or cook for that much time, that should be absolutely okay for you. Take it as if you're taking a rest. Now about reading spiritual thing, pothis, gathas, godly things.
अगेन दैट्स वन ऑफ द वे कल्चरली टेलिंग यू दैट बिकॉज देर इज लॉट ऑफ निगेटिविटी और माइक्रो डेथ्स और माइक्रो चेंजेस इन द सराउंडिंग. इफ यू कैन कीप योर सेल्फ सराउंडेड विद पॉजिटिविटी इट्स बेटर फॉर योर माइंड, फॉर योर थिंकिंग, फॉर योर बेबी एंड फॉर योर प्रेगनेंसी. So is it necessary to read something spiritual? No, it's not like that. You can meditate, you can listen to chantings, you can do the chantings. You can read anything that keeps you positive. That will go scientifically absolutely right. And last but not the least, you're supposed to be keep sitting and you're not supposed to move from your place. No, that's not the case. If you understand the culture, let's hold on to what culturally people are telling. But at the same time, you can sleep and take rest. You can sit down peacefully, leaning your back onto something and be peaceful in the entire process. So nothing but all those things that you've been following at the time of eclipse or grahan. Keep your environment or surrounding positive. Keep yourself away from any kind of a routine activity. Hold on to yourself in a positive or a meditative frame of mind. And for the sake of the family's peace, don't eat for those hours. It won't harm. 3 to 4 hours of you staying hungry doesn't harm child. So just take care of yourself. If any one of you due to emergency could not follow grahan or eclipse and you end up doing something, please don't carry guilt or a negativity. Now it's going to harm my child. Your source of faith, your being, your thought pattern will 100% take care of your child. Something that will harm highest is you constantly thinking this eclipse is going to harm my child. Yes, that will harm your child. That's the highest thing that will harm the child because you are psychologically affecting it. Stay positive. Take care of your little one. Take care of yourself. Enjoy the surroundings. Enjoy the changes. The weather changes, the surrounding changes are necessity of the galaxy, are the necessity of the nature. Let's give our best to take care of things. Thank you so much, all of you. Take care of yourself and bye.